हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SBS इंग्लिश क्लासेस। वी आर हेयर टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन नंबर 2, फॉरगेटिंग। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि भूल का सबसे सरलतम रूप पत्रों को डाक में डालने के विषय में होता है। लेखक इस बात को मानता है कि भूल का सामान्यतम सरलतम रूप पत्रों को डाक में डालने के विषय में घटित होता है। सो कॉमन इज इट, ये इतनी सामान्य बात है, पत्रों को डाक में डालने की भूल करना इतनी सामान्य बात है कि आई एम ऑलवेज रिलेक्टेंट टू ट्रस्ट ए डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पोर्टेंट लेटर। मैं हमेशा भेंट करके वापस जा रहे व्यक्ति को एक महत्वपूर्ण पत्र डाक में डालने के लिए सदैव तैयार नहीं होता हूँ, सदैव अनिच्छुक रहता हूँ। यानी कि जो भेंट करके जा रहा व्यक्ति है, मैं उसे पत्र को डाक में डालने के लिए कहने के लिए सदैव इच्छुक नहीं होता हूँ, सदैव तैयार नहीं होता हूँ। सो लिटिल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी, उतना ही कम मैं उसकी स्मृति पर विश्वास करता हूँ या निर्भर रहता हूँ। एंड आई पुट हिम ऑन हिज ओथ बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम। उसको पत्र सौंपने से पहले मैं उसे सौगंध खिलाता हूँ, कसम खिलाता हूँ। आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, ओथ मीन्स होता है सौगंध या शपथ। मैं उसे कसम खिलाता हूँ बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, उसको पत्र सौंपने से पहले, कि भाई इस पत्र को डालना जरूर, आपको आपकी कसम है। तो इस प्रकार से लेखक उसे कसम खिलाता है पत्र सौंपने से पहले, क्योंकि वह उसकी स्मृति पर बहुत ही कम विश्वास करता है। एज फॉर माई सेल्फ, लेखक कहता है कि जैसे वह खुद ही, एनीवन यानी खुद लेखक के विषय में, एनीवन हु आस्क मी टू पोस्ट ए लेटर इज ए पुअर जज ऑफ कैरेक्टर। कोई भी व्यक्ति जो लेखक को लेटर डाक में डालने के लिए कहता है, वो ये सोचता है कि भाई ये तो लेखक महोदय हैं, ये पत्र को डाक में डालना नहीं भूलेंगे, निश्चित रूप से डाल देंगे। तो ऐसा सोचना उस व्यक्ति के लिए, उसके बारे में, किसके, लेखक के बारे में कम अनुमान लगाना है, गलत अनुमान लगाना है। ए पुअर जज, एक कम आंकने वाला, अनुमान लगाने वाला ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भाई इस लेखक को पत्र दे दो, ये डाक में डालना नहीं भूलेगा, तो ऐसा सोचना लेखक के बारे में अनुमान लगाना गलत है कि लेखक पत्र को डाक में डालना नहीं भूलेगा। ऐसा यदि कोई सोचता है तो गलत सोचता है, ठीक है, क्योंकि लेखक खुद पत्रों को डाक में डालना भूल जाता है। Even if I carry the letter in my hand, यदि मैं पत्र को हाथ में लेकर चलता भी हूँ, ले जाता भी हूँ पत्र को हाथ में, चलो भाई हाथ में रहेगा तो ध्यान रहेगा भाई हाथ में क्या चीज़ है। यदि मैं पत्र को हाथ में लेकर जाता भी हूँ तो I am always past the first pillar box, तो मैं हमेशा उस प्रथम पत्र पेटी वाले
खम्बे से आगे निकल जाता हूँ। बिफोर आई रिमेम्बर, तब मुझे याद आता है, अरे दैट आई ought to have posted it, अरे मुझे तो इस पत्र को पत्र पेटी में डालना चाहिए था, लेकिन भूल जाता है लेखक भी। अब क्या होता है, अब उस पत्र पेटी टंगे हुए खम्बे से जब आगे निकल जाता है तो लेखक वापस तो आता नहीं है, तो क्या करता है लेखक रॉबर्ट लिंड, वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, उस पत्र को हाथ में पकड़े रहने से थक जाने के बाद जब लेखक पत्र को हाथ में पकड़े पकड़े थक जाता है, वेयर मीन्स थकना, ऑफ होल्डिंग पकड़े रहने से, इट इसको इन माई हैंड अपने हाथ में, आई देन पुट इट फॉर सेफ्टी इन टू वन ऑफ माई पॉकेट्स, तो फिर मैं उस पत्र को सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जेब में रख लेता हूँ, जितनी भी जेब होती है उनमें से किसी एक जेब में रख लेता हूँ, एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और उस पत्र के बारे में बिल्कुल ही भूल जाता हूँ। तो लेखक भी खुद कितना भुलक्कड़ है। आफ्टर दैट, इसके पश्चात, इट हैज एन अनएडवेंचरस लाइफ, इसके बाद वह पत्र नीरस जीवन व्यतीत करता है, अर्थात लेखक की जेब में छिपा पड़ा रहता है, कब तक, टिल ए चैन ऑफ सर्कमस्टांसेस, जब तक परिस्थितियों की एक लंबी श्रृंखला, लीड्स टू ए नंबर ऑफ एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, जब तक लेखक से परेशान कर देने वाले अनेक प्रश्न नहीं पूछे जा रहे होते हैं, तब तक वह पत्र लेखक की जेब में नीरसता का जीवन व्यतीत कर रहा होता है। फिर क्या होता है, एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट, फिर मुझे अपनी जेब से, आई एम कंपेल्ड, मैं विवश हो जाता हूँ, टू प्रोड्यूस प्रस्तुत करने के लिए, द एविडेंस प्रमाण ऑफ माई गिल्ट अपने अपराध का, फ्रॉम माई पॉकेट अपनी जेब से, फिर मुझे अपनी जेब से उस पत्र को निकाल करके अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता है। दिस इट माइट बी थॉट, ऐसा सोचा जा सकता है क्या, दिस मस्ट बी ड्यू टू ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर, ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा विचारा जाता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए लैक, कमी ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की, इन अदर पीपल्स लेटर्स, दूसरे लोगों के पत्रों में, ऐसा इसलिए माना जा सकता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरे लोगों के पत्रों में रुचि की कमी होती है, व्यक्ति दूसरे लोगों के पत्रों को डाक में डालने की रुचि नहीं दिखाता, इसलिए वह पत्र को डाक में डालना भूल जाता है। आगे राइटर कहता है, बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये इस बात को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करता है, यह इस बात की व्याख्या नहीं करता कि दूसरे लोगों के पत्रों में रुचि की कमी होती है इसलिए भूल जाता है। अब आगे लेखक क्या कहता है, फॉर, क्योंकि, आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स, लेखक उन कुछ पत्रों को डाक में डालना भूल जाता है, फॉरगेट टू पोस्ट, डाक में डालना भूल जाता है, दैट जिन पत्रों को आई माई सेल्फ, मैंने खुद, रिमेंबर टू राइट, लिखना याद रखा या रखता हूँ, लेखक कहता है कि जिन पत्रों को मैं खुद लिखना याद रखता हूँ उन पत्रों को मैं डाक में डालना भूल जाता हूँ। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भाई दूसरे के पत्रों को तो डाक में डालना इसलिए भूल गया क्योंकि उनमें रुचि की कमी थी, लेकिन लेखक कहता है कि वह खुद उन पत्रों को जिन्हें वह लिखना याद रखता है उन्हें डाक में डालना भूल जाता है। तो भूल का जो
कार्यक्रम है या जो भूल है प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटित होती है, चाहे वो कवि हो या सामान्य व्यक्ति हो। आगे राइटर कहता है, एज फॉर लिविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, आई एम नो ग्रेट डेलिंक्वेंट इन सच मैटर्स। रेलगाड़ियों में, टैक्सियों में सामानों को छोड़ने के विषय में, आई एम नो ग्रेट डेलिंक्वेंट इन सच मैटर्स, ऐसे मामलों में मैं भी कम अपराधी नहीं हूँ। डेलिंक्वेंट मीन्स अपराधी, मुजरिम। तो लेखक कहता है कि रेलगाड़ी में, ट्रेन में सामानों को छोड़ने के विषय में लेखक भी कम अपराधी नहीं है, वह भी उतने ही अपराधी जितने दूसरे। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग, मैं प्रत्येक चीज को लगभग याद रख सकता हूँ। ठीक है, लेखक कहता है कि वह लगभग सब चीज़ों को याद रख सकता है, एक्सेप्ट में छोड़कर। एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स, पुस्तकों और घूमने की छड़ियों को छोड़ करके लेखक लगभग सभी चीज़ों को याद रख सकता है। एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स, मैं किताबों को भी प्रायः याद रख सकता हूँ, लेकिन वॉकिंग स्टिक्स आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल। लेखक कहता है कि घूमने की छड़ियों को तो मैं पूर्ण रूप से याद रखना असंभव पाता हूँ, क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव पाता हूँ टू कीप याद रखना। आई हैव एन ओल्ड फैशन्ड टेस्ट फॉर देम, देम मीन्स वॉकिंग स्टिक्स, मैं छड़ियों के लिए एक पुरानी रुचि रखता हूँ। छड़ी को लेकर के हाथ में चलना लेखक की पुरानी रुचि है, पुराना फैशन है। बट आई बाई देम फ्रीक्वेंटली, मैं उन्हें प्रायः खरीदता हूँ। किनको? छड़ियों को। बट नो सूनर डू आई पे ए विजिट टू ए फ्रेंड्स हाउस, परंतु ज्यों ही आई पे ए विजिट टू ए फ्रेंड्स हाउस, जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर भेंट करने के लिए जाता हूँ, और या गो ए जर्नी इन ए ट्रेन, या फिर रेलगाड़ी में यात्रा करने जाता हूँ, त्यों ही क्या होता है, देन अनदर स्टिक इज ऑन इट्स वे इन टू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट, तभी या त्यों ही अनदर स्टिक, एक दूसरी छड़ी इज ऑन इट्स वे, मार्ग में आ जाती है, किसके, इन टू द वर्ल्ड, उसकी दुनिया के रास्ते में, ऑफ द लॉस्ट, खोई हुई के। कहने का तात्पर्य है कि ज्यों ही कवि प्रायः छड़ियों को खरीदता है, परंतु ज्यों ही वह अपने मित्र के घर मिलने के लिए जाता है या रेलगाड़ी से यात्रा करता है, त्यों ही वह अपनी छड़ी को खो देता है और एक नई छड़ी खरीद लेता है। आई डेयर नॉट कैरी, देखिए डेयर के बाद नॉट और यहाँ पर फिर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये मॉडल के रूप में है, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में है, ये डेयर हमने आपको ट्रांसलेशन में प्रयोग करना बताया। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लूजिंग इट, छाते को खो जाने के भय से मैं एक छाता ले जाने का साहस नहीं करता, मुझ में छाते को खो जाने के भय से छाते को ले जाने की हिम्मत नहीं होती है। आगे कहता है लेखक, टू गो थ्रो लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, बिना खोए, छाते को खोए बिना जीवन भर छाते को खोए बिना चलना या जीवन यापन करना उसी व्यक्ति का काम है
हैज इवन द ग्रीमेस्ट जॉर्ज अम्ब्रेला कैरियर एवर अचीव्ड दिस। जो व्यक्ति ग्रीमेस्ट जॉर्ज मीन्स मजबूती के साथ पकड़ करके छाते को चलने वाला व्यक्ति। लेखक का कहने का अभिप्राय है कि जीवन भर किसी छाते को खोए बिना चलना उसी व्यक्ति का कार्य होता है जो अपने छाते को सावधानी पूर्वक हाथ में पकड़े हुए लेकर चलता है या हाथ में पकड़कर चलता है, वही इस काम को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह अपने छाते को कभी खो नहीं सकता है। लेखक आगे कहता है, फ्यू ऑफ अस हाउ एवर हैव लॉस्ट मच प्रॉपर्टी ऑन अवर ट्रेवल्स थ्रू फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस मीन्स भूल। किसी ने किसी प्रकार से हम में से कुछ लोग अपनी यात्राओं के दौरान, ऑन आवर ट्रेवल्स अपनी यात्राओं के दौरान भूल के कारण बहुत अधिक संपत्ति खो बैठे हैं या गवा बैठे हैं। हैव लॉस्ट खो बैठे हैं, मच प्रॉपर्टी बहुत अधिक संपत्ति, ऑन आवर ट्रेवल्स अपनी यात्राओं में थ्रू फॉरगेटफुलनेस भूल के कारण, विस्मृति के कारण। द ऑर्डिनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन विद ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक्स सेफ। लेखक कहता है कि सामान्य या साधारण व्यक्ति अपने गंतव्य पर, डेस्टिनेशन गंतव्य या मंजिल या अपना घर, घर पर अपने सभी सामान के साथ सुरक्षित पहुंच जाता है। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन्स ड्यूरिंग द ईयर सजेस्ट। वर्ष भर के दौरान रेलगाड़ियों में खोए हुए सामान की सूची सजेस्ट्स दर्शाती है, बताती है, प्रकट करती है दैट इट इज द यंग रादर देन द एडल्ट्स, एडल्ट कि प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा, वयस्क लोगों की अपेक्षा युवा लोग। हु फॉरगेट थिंग्स, जो चीज़ों को भूल जाते हैं। लेखक कहता है कि युवा व्यक्ति प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। एंड दैट स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरीज देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज कि एंड दैट स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरीज देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज। लेखक कहता है कि खिलाड़ियों की स्मृति उनके अपने सामान्य गंभीर प्रकृति वाले साथियों से या व्यक्तियों से कहीं अधिक खराब स्मृति होती है। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि खिलाड़ी लोगों की स्मृति सामान्य गंभीर प्रकृति वाले लोगों से अधिक खराब होती है। किसी भी चीज़ को खिलाड़ी लोग जल्दी भूलते हैं और सामान्य गंभीर प्रकृति वाले लोग नहीं भूलते हैं। ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स फॉर इंस्टेंस वर फॉरगॉटन। रॉबर्ट रिंड कहते हैं कि उदाहरण के रूप में ए कंसिडरेबल मीन्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फुटबॉल्स, बहुत अधिक संख्या में फुटबॉल और क्रिकेट के बल्ले भुला दिए गए। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत ही आसान है। इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है। फॉर क्योंकि बॉयज लड़के रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स, जो खेल से लौट रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, वे लड़के
हैव देयर इमेजिनेशंस स्टिल फिल्ड विद ए विजन ऑफ द प्लेइंग फील्ड। उनके कल्पनाओं में खेल के मैदान के दृश्य अभी भी भरे हुए होते हैं। इमेजिनेशंस उनकी कल्पनाएं स्टिल फील्ड भरी हुई होती हैं अभी भी विद ए विजन दृश्यों से ऑफ द प्लेइंग फील्ड खेल के मैदान के दृश्य या स्वप्नों से उनकी कल्पनाएं भरी हुई होती हैं उन लड़कों की जो खेल के मैदान से वापस आ रहे होते हैं। एंड देयर हेड्स आर अमंग द स्टार्स और उनके मन उनके मस्तिष्क विशिष्ट खिलाड़ियों में होते हैं विशिष्ट खिलाड़ियों के बीच में होते हैं और या देयर हार्ट्स इन देयर बूट्स या फिर उनके दिल उनके जूतों में होते हैं अर्थात उनके मन में भय होता है। दिलों का जूतों में होना यहाँ अर्थ प्रदर्शित करता है या फिर वे मन में डर लिए हुए होते हैं या भयभीत होते हैं। एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट्स और देयर एरर्स जब वे अपने वीरता के कार्यों को एक्सप्लॉइट्स मीन्स वीरता के कार्य साहसिक कार्य और जब वे अपने रिकॉल मीन्स स्मरण करना याद करना जब वे अपने वीरता के कार्य या साहसिक कार्यों को याद करते हैं या उनकी गलतियों को याद करते हैं तो क्या होता है वे भयभीत हो जाते हैं उनके मन में डर भर जाता है। आगे रॉबर्ट लिंड कहते हैं दे आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम। दे खिलाड़ी आर एब्स्ट्रैक्टेड पृथक हो जाते हैं अलग हो जाते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड संसार से आउटसाइड देम अपने उनके निजी जीवन से जो बाहर का सांसारिक जीवन होता है वे उससे अलग हो जाते हैं सामान्य लोगों की तरह वे नहीं घूम फिर सकते हैं। मेमोरीज प्रिवेंट देम फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू सच स्मॉल प्रोजेक्ट थिंग्स एज टेक द बॉल एंड द बैट विद देम व्हेन दे लीव द ट्रेन। जब ये खिलाड़ी लोग ट्रेन से उतर कर जाते हैं ट्रेन को छोड़ते हैं तो वे अपने साथ बल्ला या गेंद जैसी छोटी नीरस चीज़ों को लेना भूल जाते हैं। यानी कि जब खिलाड़ी लोग ट्रेन से उतरते हैं हमारे कहीं खेल करके आ रहे हैं ट्रेन में बैठ करके आ रहे हैं और जब ट्रेन से उतरते हैं तो बल्ला या गेंद जैसी छोटी नीरस वस्तुओं को लेना वे भूल जाते हैं। द सेम मे बी सैड नो डाउट ऑफ एंजलर्स लेखक कहता है सॉरी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे और शेष दिन जितने समय दिन के जितने भाग में ही वो अपने घर पर रहते हैं मान लीजिए 3 बजे आए 4 बजे आए दिन के तो शेष दिन जो बचता है उसमें क्या होता है दे आर सिटीजन्स ऑफ ड्रीम लैंड वे दिवा स्वप्न लोक के नागरिक बने रहते हैं। ड्रीम लैंड स्वप्न लोक सिटीजन्स नागरिक तो दिन के शेष भाग में वे खिलाड़ी लोग स्वप्न लोक के नागरिक बने रहते हैं। द सेम मे बी सैड नो डाउट ऑफ द एंजलर्स लेखक कहता है कि निसंदेह ठीक वैसी ही बात मछुआरों के बारे में कही जा सकती है। एंजलर्स कहते हैं फिशरमैन उन मछुआरों के बारे में कही जा सकती है हु फॉरगेट देयर फिशिंग रोड्स जो अपने मछली पकड़ने की छड़ी को भूल जाते हैं। जैसी बात खिलाड़ियों के बारे में गेंद या बल्ले को भूल जाने की होती है ठीक वैसी ही बात निसंदेह उन मछुआरों के बारे में कही जा सकती है जो अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को लग्गी को भूल जाते हैं।
आगे एंजलर्स आर जनरली सैड आई डू नॉट नो विद व्हाट जस्टिफिकेशन टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन। लेखक कहता है कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता विद व्हाट जस्टिफिकेशन कि ये कहाँ तक इस बात को कहना उचित होगा, इस बात को कहना कहाँ तक उचित होगा। इस बात को लेखक नहीं कहता है, नहीं जानता है कि एंजलर्स आर जनरली सैड मछुआरों के बारे में सामान्य रूप से कहा जाता है, साधारणतः कहा जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, आर के बाद से की थर्ड फॉर्म आ रही है। सामान्यतः या साधारणतः मछुआरों के बारे में कहा जाता है कि टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन, कि ये मछुआरे अत्यधिक कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। इमेजिनेटिव कल्पनाशील, मोस्ट मीन्स अत्यधिक, यानी कि सामान्यतः मछुआरों के बारे में कहा जाता है कि वे अत्यधिक कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। एंड द मैन, और वह व्यक्ति हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज ऑन द जर्नी होम आफ्टर ए डेज फिशिंग इज बाउंड टू बी ए लिटिल माइंड लिटिल एब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर। रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि द मैन, वह व्यक्ति हु इज इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज ऑन द जर्नी होम आफ्टर ए डेज फिशिंग, दिन भर मछली पकड़ने के पश्चात वह व्यक्ति जो घर जाते हुए शानदार झूठ बोल रहा है, मैग्निफिसेंट लाइज, शानदार झूठ, इन्वेंटिंग का मीनिंग यहाँ पर है टेलिंग, शानदार झूठ बोल रहा है वह व्यक्ति, इज बाउंड टू बी ए लिटिल एब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर, वह अपने व्यवहार में थोड़ा सा भुलक्कड़ होता है। ए लिटिल एब्सेंट माइंडेड, थोड़ा सा भुलक्कड़ इन हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार में। द फिशिंग रोड ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन। देखिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में है। द फिशिंग रोड ऑफ रियलिटी इज फॉरगॉटन बाय हिम, उसके द्वारा मछली पकड़ने की वास्तविक क्षण को भुला दिया जाता है। मीन्स मछुआरा अपनी मछली पकड़ने की वास्तविक क्षण को भूल जाता है, एज ही डे ड्रीम्स ओवर द फीट्स ऑफ द फिशिंग रोड ऑफ यूटोपिया, जब वह मछली पकड़ने की अव्यवहारिक और अवास्तविक क्षण के कार्यों के बारे में दिवा स्वप्न देखता है। यूटोपिया मीन्स होता है इतनी श्रेष्ठ, इतनी आदर्श कि उसकी वास्तविकता पर विश्वास न किया जा सके, अर्थात अत्यधिक श्रेष्ठ, जिसकी केवल कल्पना की जाती है, वास्तव में होती नहीं है। तो इट मीन्स अवास्तविक और अव्यवहारिक, अनरियल और इमेजिनेटिव एंड इम्प्रैक्टिकेबल, काल्पनिक और अव्यवहारिक, मछली पकड़ने की क्षण के कार्यों के बारे में दिवा स्वप्न देखता है। यानी कि जब मछुआरा मछली पकड़ता है तो वह वास्तविक मछली पकड़ने की क्षण को तो भुला देता है, और अव्यवहारिक और अवास्तविक मछली पकड़ने की छड़ी के कार्यों के बारे में स्वप्न देखने लग, दिन में ही स्वप्न देखने लगता है। डे ड्रीम्स, दिन में स्वप्न देखना। हिज लॉस ऑफ मेमोरी, उसकी स्मृति का ह्रास या उसकी स्मृति का खो जाना, लॉस मीन्स खो जाना, ठीक है, हानि या नुकसान, इज रियली ए ट्रीब्यूट, वास्तव में परिणाम होता है टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज एन्जॉयमेंट, उसके आनंद की तीव्रता का परिणाम होता है। यदि कोई मछुआरा अपनी स्मरण शक्ति को खो देता है तो उसकी स्मरण शक्ति को खो देना उसके आनंद की तीव्रता का परिणाम होता है। इन थिंकिंग, जब वह सोचता है अबाउट हिज डेज स्पोर्ट, जब वह अपने दिन भर के खेल के बारे में, आनंद के बारे में सोचता है, तो वह
अपनी स्मरण शक्ति खो देता है। आनंद की तीव्रता के परिणाम स्वरूप ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रोड, वह अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को भूल सकता है, उस प्रकार से भूल सकता है एज द पोएट मे फॉरगेट टू पोस्ट ए लेटर, जिस प्रकार से एक कवि एक पत्र को डाक में डालने से भूल जाता है या भूल करता है, उसी प्रकार से मछुआरा भी अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को भूल जाता है। यहाँ पर एक मछुआरे की तुलना लेखक कवि से करता है, ठीक है। बिकॉज हिज माइंड इज फिल्ड विद मैटर मोर ग्लोरियस, क्योंकि एक कवि का मन कवि के दिमाग में उच्च श्रेणी के विचार विद्यमान होते हैं, श्रेष्ठ विचार विद्यमान होते हैं, इसलिए वह सामान्य बातों को भूल जाता है, इसे पत्र को डाक में डालने जैसी सामान्य बात को भूल जाता है, क्योंकि उसके मन में श्रेष्ठ कहीं अधिक श्रेष्ठ विचार होते हैं। लेखक कहता है एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार का भुलक्कड़पन सीम्स टू मी, लेखक को प्रतीत होता है, मुझे लेखक को ऑल बट ए वर्च्यू, केवल एक गुण प्रतीत होता है लेखक को। यदि कोई व्यक्ति सामान्य बातों को भूल करके श्रेष्ठ विचार अपने मन में उत्पन्न करता है तो ऐसी भूल लेखक को एक गुण प्रतीत होती है, दोष नहीं। द एब्सेंट माइंडेड मैन इज ऑफन ए मैन, भुलक्कड़ व्यक्ति प्रायः बहुधा एक ऐसा व्यक्ति होता है हु इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, जो अपने जीवन को भरपूर तरीके से जी रहा होता है, एंड देयरफॉर, और इस प्रकार हैज नो टाइम टू रिमेंबर द मीडियोकर, मीडियोकर मीन्स सामान्य चीजें, ऑर्डिनरी थिंग्स, और सामान्य चीजों को याद करने के लिए उसके पास समय ही नहीं होता है। यानी कि एक भुलक्कड़ व्यक्ति प्रायः ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से भरपूर तरीके से जी रहा होता है, और इस प्रकार देयरफॉर में इस प्रकार उसके पास सामान्य चीज़ों को याद करने के लिए समय नहीं होता है। नेक्स्ट राइटर कहता है हु वुड हैव सोक्रेटिज और कॉलेज टू पोस्ट ए लेटर, लेखक कहता है कि सुकरात या कॉलेज तो महान विचारक थे, वे महान विचार रखते थे, तो किसने उनको डाक में पत्र डालने के लिए किसने विश्वास किया होगा, अर्थात किसी ने नहीं किया होगा, ये तो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इनके मन में तो उच्च विचार चलते थे, तो किसने इन लोगों का विश्वास किया होगा, अर्थात किसी ने विश्वास नहीं किया होगा। दे हैड सोल्स एबव सच थिंग्स, सोल्स मीन्स यहाँ पर है आइडियाज, देखिए माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन में सोल्स का मीनिंग था पीपल पर्संस, लेकिन यहाँ सोल्स का मीनिंग है हाई थॉट्स एंड आइडियाज। सुकरात और कॉलेज तो इन सब चीज़ों से कहीं अधिक श्रेष्ठ विचार, महत्वपूर्ण विचार रखते थे, तो फिर वे डाक में पत्र डालने जैसी चीज़ों के लिए लोगों ने सुकरात और या कॉलेज पर किसी प्रकार का कोई विचार विश्वास नहीं किया होगा, ट्रस्टेड मीन्स विश्वास किया, क्योंकि उनके मन में तो बहुत ही उच्च श्रेणी के उच्च कोटि के विचार थे। इस प्रकार से ये वीडियो आपकी पूरी होती है, और तीसरे नंबर की वीडियो में आपका शेष भाग लेसन नंबर 2 फॉरगेटिंग का आपको मिलेगा। धन्यवाद।